नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी आज रांची पहुंचे और रांची पहुंचते ही वो सीधे राहुल गांधी पर जमकर बरसते नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर सिखों पे बयान दिया था, ओबीसी एससी एसटी मोर्चा को लेकर बयान दिया था कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। इसी पे आज जनक राम जी जमकर कांग्रेस और राहुल गांधी पे बरसते नजर आए और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की नीति है वो जन विरोधी नीति है, क्योंकि कांग्रेस आरक्षण हटाना चाहती है, संविधान हम नहीं, संविधान कांग्रेस बदलना चाहती है। तो ऐसे में हम इनकी राजनीति की रोटियां झारखंड में सेकने नहीं देंगे। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जनक राम जी, आइए सुनते हैं। देश दुनिया में खबरें भी बनी, आप लोगों ने चलाया भी, यह देश में एक परंपरा सी बन गई है। भारत के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा में विरोधी दल का नेता श्री राहुल गांधी जी जब जब भारत में होते हैं तो सदन के अंदर, सदन के बाहर देशवासियों को, गरिमा को तार तार तो करते ही हैं, लेकिन जब श्री राहुल गांधी जी भारत से बाहर विदेश के दौरे पर होते हैं तो संविधान को और संविधान में प्रदत्त अधिकार को और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के दिए हुए आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। और एक और बात आप देशवासी के सामने देखने को मिलता है कि देश का, इन्हें दुनिया का सबसे बड़े लिखित निर्मित संविधान वो पॉकेट में लेके घूमते हैं, जब चाहे जहां चाहे पॉकेट से निकाल करके सिर्फ दिखा देते हैं। इसके अलावा संविधान से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है, संविधान को अध्ययन भी नहीं करते हैं, संविधान को पढ़ते भी नहीं है, शायद संविधान को पढ़ते संविधान की प्रस्तावना को जानते। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ये देश के सर्व समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, वो अधिकार श्री राहुल गांधी जी के ही पूर्वज चाचा नेहरू जी का समय था। उन्होंने एक एक करके संविधान को ताक पर रख करके और देश चलाने का काम किया। आप भी जानते होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चाचा नेहरू जी के जमाने में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ता था। वही चाचा नेहरू जी 1961 में भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि आरक्षण से आने वाले प्रतिनिधि देश में वैमनस्य पैदा करते हैं, रिजर्वेशन की, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, उस कड़ी को बढ़ाते हुए श्री राजीव गांधी जी ने 1985 में आरक्षण से आने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धू कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा, क्योंकि राजतंत्र से आने वाले ये लोग हैं। लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए। जो कब क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे, खुद को उनको मालूम नहीं चलता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में बंद कर दिया, ठंडे बस्ती में डाल दिया। और इतना ही नहीं,
श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति की भाइयों और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग करेंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देशवासियों को कि जिस तरह से कांग्रेस आई की शासनकाल में, यूपीआई के शासनकाल में एक एक करके देश के संविधान को इन लोगों ने छेड़छाड़ किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया, लेकिन देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को प्रदत्त अधिकार को संविधान को सुरक्षित रखते हुए कश्मीर में धारा 370 के तहत संविधान में दिया हुआ आरक्षण को नहीं मिल रहा था, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है और कश्मीर के धरती से धारा 370 को समाप्त करके अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां आरक्षण प्राप्त हो रहा है। एक तरफ देश के नेता नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासन काल के नेता आरक्षण के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं, दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता और खास करके श्री राहुल गांधी जी आरक्षण और संविधान को बदलने के समर्थक हैं। दुर्भाग्य है। तो देखा अभी आपने कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वो साफ तौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी पर बरसते नजर आ रहे थे। वहीं बिहार के नवादा में हुई घटना पर भी साफ तौर पे कह रहे थे कि जो घटना से पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा भी दे दिया गया है और जिन घटना के पीछे जिन अपराधियों का हाथ है उनको भी पकड़ लिया गया है, लेकिन इस घटना के पीछे सीधे सीधे वो महागठबंधन पर ठेकरा फोड़ते नजर आ रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज रांची।